तो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल कंटिन्यू द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस असाइनमेंट नंबर 1 बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स. इफ ट्रू देन स्टेट द प्रॉपर्टी. स्टेटमेंट देखना है ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं. सेवन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विथ थ्री अपॉन फोर प्लस माइनस में सेवन अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन फोर प्लस 7 upon 5 is multiplied with minus 7 upon 6. ये रहा अपना क्वेश्चन. अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है. तो नो डाउट आपको देखते ही पता चल रही है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है ना. दोनों ब्रैकेट्स के बीच में वैल्यू का साइन पॉजिटिव साइन है. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन फॉर एडिशन कह दो या फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कह दो. ठीक है, चलें LHS RHS दोनों पार्ट्स सेपरेटली इसको हम सॉल्व करेंगे. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा. 6 और 4 का हमने लिया LCM. 6 और 4 का LCM मिलता है मुझे 12. 4 की टेबल में 12 मिलता है मुझे नो डाउट 3 टाइम. और 3 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 जा 9. ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 6 की टेबल में 12 मिलता है मुझे 2 टाइम और 2 7 जा 14. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवल LHS पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल का साइन लगा के छोड़ रहा हूं. ठीक है, ताकि आपके लिए डाउट ज्यादा नहीं हो. 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद देखो 14 में से 9 सबट्रैक्ट किया रिमेनिंग रहा माइनस का 5 अपॉन 12 ब्रैकेट में पुट किया मैंने इसको. 7 अपॉन 12. हमने सिंपल सा काम किया है, केवल LHS पार्ट को सॉल्व किया है. दोनों पार्ट साथ साथ सॉल्व करते तो शायद हो सकता है किसी को भी डाउट ज्यादा हो जाता, बट यहाँ हमने दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया है. ठीक है, देखो अब इस पार्ट को देखिए. तो ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में है, ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में है. फ्रैक्शन नहीं कहके हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं. ठीक है ना, और कहेंगे भी क्योंकि हम प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की ही यूज कर रहे हैं. 7 3 जा 21 5 4 जा 20 ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं तो आपका प्लस का साइन लगाओ. यहां 49 को माइनस का बना देंगे हम लोग और 6 5 जा 30. ठीक है, अब ले लें एलसीएम. 30 और 20 एलसीएम मिलेगा नो डाउट मुझे 60. 20 की टेबल में 60 मिलता है मुझे 3 टाइम और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते बनता है 63. ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 30 की टेबल में 60 मिलता है मुझे 2 टाइम और 2 को 49 से मल्टीप्लाई करते 49 2 जा 98. करें सब्ट्रैक्शन. 8 में से 5 3 सबट्रैक्ट किया रिमेनिंग रहा 5. 9 में से 6 लेस किया 3 अपॉन 60 ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव की है तो माइनस का. अब देखो हमने क्या कहा, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म आई है हमारे पास, हमें रेशनल नंबर चाहिए यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा. ये कैंसिल होता है. देखो 5 की टेबल से 7 टाइम और 5 की टेबल से 12 टाइम. इट मींस LHS भी मिला था मुझे माइनस का 7 अपॉन 12 और RHS भी मिला है माइनस 7 अपॉन 12. इट मींस ये स्टेटमेंट क्या था, अपना ट्रू स्टेटमेंट था. प्रॉपर्टी लगी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन.
ठीक है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आपको जो असाइनमेंट मिला था उसमें विद सॉल्यूशंस मैंने आपको दिया हुआ है, आपको विद सॉल्यूशंस मिला हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप इसको साथ साथ नोट करो तो भी अच्छी बात है, नहीं नोट करो तो भी बेटर है, क्योंकि आपके पास क्या ऑप्शंस है अवेलेबल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट इसका, माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विद फाइव अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन एट इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विद फाइव अपॉन सेवन माइनस माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विद माइनस थ्री अपॉन एट। चेक करें, अगर फर्स्ट पार्ट को देखता हूं मैं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को, तो मुझे दिखता है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेटिव किया है मैंने और उसमें भी सब्ट्रैक्शन का पार्ट किया। क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है या नहीं होती है, देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे LHS के रिगार्डिंग। तो माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई टेकिंग एलसीएम, सेवन और एट एलसीएम लिया मैंने 56, सेवन की टेबल में एट टाइम एट फाइव जा 40, माइनस एट की टेबल में सेवन टाइम सेवन थ्री जा 21। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ LHS पार्ट, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो आप लोगों को, ठीक है। माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई 40 में से 21 लेस, तो आप रिमेनिंग रहा 19 प्लस का अपॉन 56। ये देखो 21 जा 2, 2 की टेबल में ये कैंसिल हुआ मेरा 28 टाइम, 19 ने 1 से मल्टीप्लाई किया 19 1 जा 19 और 28 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 28 5 जा 140। ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा RHS पार्ट अगर माइनस 19 अपॉन 140 मिलता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी तो सही है LHS के अकॉर्डिंग, बट स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ है ना। देखो इसको देखें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, ये 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम, ये माइनस का माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20 टेकिंग एलसीएम, 7 और 120 का एलसीएम, सॉरी 20 का एलसीएम 140, 7 की टेबल में आया 20 टाइम, 20 को 2 से किया 40, ये माइनस 20 की टेबल में आया 7 टाइम 7 3 जा 21, दोनों सेम साइन थे, सेम साइन विल बी एडेड, देन माइनस 20 61 अपॉन 140 जो आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो काम तो हमने वही किया था इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है ना, फिर गलती कहाँ हुई हमारी, गलती की मेजर कंडीशन कहाँ आई थी, स्टेटमेंट में आई। देखो यहाँ मेरा माइनस का 2 अपॉन 5 था, इधर भी माइनस का 2 अपॉन 5 है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा था 5 अपॉन 7 से, तो 5 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फर्स्ट केस हमारा सही था। सेकंड ये साइन नेगेटिव लगाना था, हमने लगा दिया, माइनस का 2 अपॉन 5 था, माइनस का 2 अपॉन 5 ही लगाया हुआ था हमने, ठीक है, बट मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, माइनस 3 अपॉन 8 से कर दिया, जबकि यहाँ 3 अपॉन 8 किसका है, प्लस का है, ठीक है ना, यानी ये अगर ये साइन माइनस का 3 अपॉन 8 नहीं होता, माइनस का साइन, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू होता, ये प्लस का 21 बनता और माइनस करते माइनस का 19 ही आता, ठीक है, ओके। आई थिंक यहाँ तक सबके क्लियर है, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इफ ए बी सी इज गिवन, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस वही है जो हमने प्रॉपर्टी में कर रखे थे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इफ, एक पार्ट हम करते हैं एक पार्ट आप अपने आप को चेक करके देखना। चेक तो क्या करना है, आपके सॉल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है, फिर भी अगर कोशिश करना है इसको करने की, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू दिया है मैंने आपको 4/5, बी इज इक्वल्स टू -2/3, सी इज इक्वल्स टू 8/9। अकॉर्डिंग टू कंडीशन करें, ए डिनोटेड बाय 4/5 प्लस बी की जगह पुट किया -2/3, सी की वैल्यू पुट की हमने 8/9 इज इक्वल्स टू 4/5 प्लस -2/3 प्लस 8/9। 5 और 3 का लिया हमने एलसीएम, वो मिला हमें 5 और 3 का 15, 5 की टेबल 15 मिलता है 3 टाइम और 3 4 जो होता है अपना 12, ये प्लस माइनस माइनस, 3 की टेबल में मिलता है 5 टाइम और 5 2 जो जाता है अपना 10 प्लस 8/9। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर 2/15 प्लस 8/9। पढ़ते ले लें एलसीएम, तो 15 और 9 45, 15 की टेबल में 3 टाइम 3 2 जा 6, 9 की टेबल में 5 टाइम 5 8 जा 40, दोनों मिलके क्या बना कि 46/45, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम लोग, चलें तो 4/5 प्लस 9 और 3 का एलसीएम, नो डाउट 9, 3 की टेबल है 3 टाइम और ये हो गया 3 2 जा 6, 9 की टेबल है 1 टाइम, ये मिला मुझे 8। 4/5 प्लस 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 2, अंदर प्लस बाहर प्लस प्लस का 2 आएगा, अपॉन 9, फिर वही टेकिंग एलसीएम, 9 5 का 45, 5 की टेबल 9 टाइम, 9 4 जा 36, 9 की टेबल में 5 टाइम, 5 2 जा 10, दोनों को ऐड करने पर वही 46/45, दोनों साइड आंसर अपना सेम रहा, ठीक है। इसने कहा था वेरीफाई करने का ही कहा था हमें, आंसर क्या मिला हमें 46/45। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट सेम एज है, आप आराम से कर सकते हो। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन, वो सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन का तो स्टेटमेंट गिवन दिया था आपको मैंने ना, कि आप उसमें वेरीफाई करके दिखाओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। बट थर्ड नंबर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी और ए इंटू सी, देन वेरीफाई इट, ठीक है। तो चलें उसी का एक पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हमने पहले एडिशन प्रॉपर्टी ले ली थी, अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3/5, बी इज इक्वल्स टू -2/5, सी इज इक्वल्स टू -7/5, देन वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका कि ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। प्रॉपर्टी कौन सी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वहां मैंने क्वेश्चन में आपको ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय सी लिखा है, बात तो वही है, ए को बी से मल्टीप्लाई करते ए बी मिलेगा और ए को सी से मल्टीप्लाई करते हमें ए सी मिलेगा, ठीक है। चले वैल्यू पुट करें, ए की जगह रखा हमने 3/5
मल्टीप्लाई बाय बी, बी किसको रिप्लेस करेगा, माइनस टू अपॉन फाइव को, ये माइनस का साइन, ये माइनस सेवन अपॉन फाइव ए बी, इट मीन्स थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विद टू अपॉन फाइव, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड ए सी, ए सी में लगाया हमने थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय सी, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन फाइव, वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखी है ना हमने, थ्री अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव। ओके चले, फर्स्ट ऑफ ऑल वही एल एच एस पार्ट को तो ब्रैकेट सॉल्व करें हम लोग, तो लिखा हमने थ्री अपॉन फाइव इज मल्टीप्लाई विद फाइव, और फाइव का एलसीएम फाइव ही आता है नो डाउट, माइनस टू माइनस माइनस प्लस का सेवन, देयरफॉर थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई सेवन में से टू सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा फाइव अपॉन फाइव, देखो फाइव वंजा फाइव, फाइव वंजा फाइव यूं कटो तो ये कैंसिल करो, बात एक ही है, आंसर तो वही थ्री अपॉन फाइव ही रहना है। ठीक है चले आरएचएस पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट मल्टीप्लाई, थ्री टू जा सिक्स, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, माइनस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टेकिंग एलसीएम ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस, या माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया ट्वेंटी वन। अब सब्ट्रैक्ट करने पे मिला मुझे फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, फिफ्टीन थ्री की टेबल से फाइव की टेबल से थ्री टाइम, और फाइव की टेबल से ट्वेंटी फाइव, इट मीन्स थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा था हमें वेरीफाई इट, क्वेश्चन में कहा गया था वेरीफाई करो, तो हमने इसको वेरीफाई करने के लिए हैंस प्रूफ लिख दिया पीछे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री, ए इज इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन फिफ्टीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, find a minus b and b minus a, ये कह रहा है a minus b और b minus a दोनों find करो और check करो वे दोनों आपस में equal है या नहीं है। ठीक है चले देखो, first of all case first, उसमें हमें find क्या करना है, हमें a minus b, a किसको denote करता है कि 2 upon 3 को, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम लोग कि 7 अपॉन 15 को, करें सॉल्व, 15 और 3 का एलसीएम हमें कितना मिलेगा 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, और 5 टू जा जाता है अपना 10, 15 की टेबल में 15 वन टाइम मिलेगा 7, रिमेनिंग करने पर बचा 3 अपॉन 15, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, इट मींस आंसर मिला मुझे 1 अपॉन 5, कब, जब मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया। के सेकंड क्या कहता है अपने को कि सब्ट्रैक्ट करो, किसको करो कि बी माइनस ए, ये लो बी माइनस ए, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करें तो बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 माइनस 2 अपॉन 3, सेम कंडीशन है बट वैल्यूज चेंज हो चुकी है ना, टेकिंग एलसीएम वही 15 जो प्रीवियस में आया था, ये वही 7, ये वही 10, रिमेनिंग आएगा हमारे पास माइनस 3 अपॉन 15, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, आंसर मिला मुझे 1 अपॉन 5। देखो केस फर्स्ट में मिला 1 अपॉन 5, सेकंड केस में मिला माइनस 1 अपॉन 5, दे आर नॉट इक्वल, है ना, दे आर नॉट इक्वल, लिखते हैं आंसर में, हेंस a माइनस बी
इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, कि ए माइनस बी मेरा बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ असाइनमेंट वन के क्वेश्चन नंबर फोर तक कर लिए हैं। फाइव नंबर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो ऑलरेडी हमने कई बार कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन जब हमने प्रॉपर्टीज लगाई थी स्टार्टिंग में, कौन सी प्रॉपर्टी का पार्ट है ये, एसोसिएटिव है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो ओनली टू पार्ट्स चलते थे, यहाँ हमने थ्री और मोर देन थ्री पार्ट्स लिए है ना। तो थ्री पार्ट्स ले रखे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सी काम आ रही है, तो ये वेरीफाई हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डायरेक्टली मूव करेंगे असाइनमेंट नंबर सेकेंड की तरफ। चलो देखते हैं असाइनमेंट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। जब हमने प्रॉपर्टी की बात कर दी तो बेटा प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी, अगर प्रॉपर्टी की बात नहीं करता तो हम लोग शायद डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो सेम एज पेपर में भी आपके पास वही कंडीशन रहेगी कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करने का कहा है तो आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, डायरेक्टली कर सकते हो बोले। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर देखा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी थ्री अपॉन फाइव वो पार्ट है जो माइनस टू अपॉन थ्री से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और वन अपॉन सिक्स से भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी पहले तो इन दोनों को पास पास ले आते हैं, यानी यहां करते हैं हम लोग रीअरेंज। ठीक है, तो माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई विद थ्री अपॉन फाइव में माइनस किया हमने थ्री अपॉन फाइव वन अपॉन सिक्स और ये फाइव अपॉन टू पीछे चला गया। ठीक है, ये थ्री अपॉन फाइव जो था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों पार्ट्स में क्या हो रहा है, थ्री अपॉन फाइव डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, क्या हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बनाएंगे इसका वापस। ठीक है, बनाए कम्युनिकेशन तो इन दोनों में से मैंने थ्री अपॉन फाइव को ले लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद यहां से ये बाहर निकल चुका है, रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस का टू अपॉन थ्री, यहां से ये माइनस का माइनस रहेगा हमारा, थ्री अपॉन फाइव कॉमन फैक्टर में बाहर आ चुका है और ये लगा दिया हमने वन अपॉन सिक्स प्लस फाइव अपॉन टू, यानी यहां हमने क्या ले लिया है, कॉमन। ठीक है, चल अब यहां कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन का पार्ट दे रखा है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई में लिया थ्री और सिक्स का एलसीएम सिक्स, थ्री की टेबल में टू टाइम टू टू जा फोर और ये माइनस वन प्लस फाइव अपॉन टू, फिर थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई विद ये रह गया माइनस का फाइव अपॉन सिक्स, थ्री फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स और ये प्लस फाइव अपॉन टू, ये पूरा पार्ट बना प्लस माइनस माइनस का वन अपॉन टू। सेकेंड थिंग में हमारे पास फाइव अपॉन टू, यानी यहां हम क्या करेंगे, टू रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, है ना। तो कर दें ऐड, टेकिंग एलसीएम टू, माइनस वन प्लस फाइव, दैट मीन्स फोर अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू, यानी सॉल्व करने पर आंसर क्या मिला हमें, टू मिला। ठीक है, यानी हमने प्रॉपर्टी पहले रीअरेंजिंग किया, उसको
उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टी लगा दी इसकी, ठीक है। फिर हमने यहाँ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की थी ना, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देते हम लोग। वैसे पीडीएफ में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है ये, ठीक है। पहले इसीलिए दी थी ताकि आप उसको घर बैठ के पहले एक बार स्टडी करो, क्वेश्चंस देखो, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ क्लास में क्या हुआ। केवल नोट डाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचना कि सर ने पीडीएफ ग्रुप में दे दी, हम उसको नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको पहले सॉल्व करके देखो, उसके बाद नेक्स्ट डे, तभी मैंने मैसेज डाला था वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डे टुमारोज क्लास, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही कुछ। इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप करके देखोगे, पहले अपने आप करोगे, उसके बाद आंसर्स को मैच करोगे। ओके, बाय बेटा।